फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ओप्पो F25 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन जो है बार बार जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस फाइल के ऐप के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे टैप करना है। अब देखिए अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब इस वाले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम यूआई, सिस्टम यूआई पे टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आएगा सिस्टम यूआई का, इसमें आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड एक क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। अब आपको बैक पेज पे जाना है, इसके भी बैक पेज पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिस्टम यूआई के इसी लाइन में आपको सबसे ऊपर ना एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में भी स्टोरेज पे टैप करना है, यहाँ पर भी आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको अपने फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो होता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना क्या, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे एक ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा का आप ना बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस से आपकी ऑटोमेटिक जो स्विच ऑफ हो जाता है ना आपका फोन, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में चले जाना है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस आपको बताए वो सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, और हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है, ठीक है ना।